गाइस, निशा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे घर पे था पूजा, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा। एंड अभी शाम को मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रिया का बर्थडे, बिलेटेड बर्थडे, क्योंकि कल वो ट्रेन में थी। सो आज हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका बर्थडे था 21 है, तो आज हम एक दिन बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए, सो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, एंड आज डिनर में है पिज्जा। आज उसका बर्थडे नहीं है, उसका बर्थडे था कल। एंड आज हम 21st को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो आज ही आई है और उसका जो बर्थडे था वो ट्रेन में ही चला गया। सो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। केक कटिंग हो गया है एंड अब हम मूवी देख रहे हैं, एक और हमारा डिनर भी बहुत हल्का सा बाहर से आया हुआ है। रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट लगानी है, प्रेजेंट टाइम पे लगती है। कौन सा मूवी है? ठीक लगा तो छुट्टी, और हम देख रहे हैं यहाँ पे छलांग। मॉर्निंग, तो आज है रक्षाबंधन एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। ऑब्वियसली जब ये व्लॉग देखेंगे आप तो रक्षाबंधन खत्म हो चुका होगा, बट आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, कौन कौन लोग अपने भाई बहन से मिले या फिर नहीं मिले, जो भी आपने किया मुझे जरूर बताइएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा भाई आया हुआ है एंड प्रिंस की सिस्टर यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है प्रिया। सो कल उसका बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया एंड आज मैं ये व्लॉग जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड यस, तो अभी सुबह हो रहा है, मैं नहा चुकी हूँ घर के, बाकी लोग अभी तक सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है क्योंकि कल हम सब बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए थे। पूजा थी घर पे, हवन वगैरह होता है ना तो उसका जो धुआं होता है उसकी वजह से सर में अलग सा दर्द हो जाता है। एंड फिर शाम को हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह भी किया, फिर मूवी देखा लेट नाइट, सो ऑब्वियसली सुबह लेट से उठेंगे। एंड कल पंडित जी आए थे ना तो उनसे हम लोगों ने पूछा था कि मुहूर्त कुछ है क्या बांधने के लिए राखी, तो उन्होंने कहा कल पूरा दिन ही मतलब आप बांध सकते हो 6:30 AM के बाद, सो आज कभी भी बांध सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुहूर्त वगैरह नहीं है। अभी सब लोग उठेंगे, नहाएंगे वाएंगे, तब तक मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करने के लिए। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट में कुछ बना नहीं रही हूँ, डायरेक्ट हम लोग ब्रंच करेंगे क्योंकि किसी का खाने का मन नहीं है। पहले मैंने सोचा था छोला भटूरा बनाने को,
जब ये लोग नहीं आए थे तभी मैंने प्लान कर लिया था, बट कल हम लोग इतना ज्यादा खाए हैं ना, पूरी और रात में पिज्जा नूडल्स वगैरह मंचूरियन वगैरह जैसे कि आप लोगों ने देखा ही, सो किसी का मन नहीं है छोले भटूरे खाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ नॉर्मल आटे की पूड़ी एंड आलू की सब्जी बना देते हैं और कल का केक बचाए, प्रिया का के बर्थडे का केक बचाए एंड मिठाइयाँ तो है ही आएंगी ही अभी मतलब। सो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैं रेडी हो जाती हूँ, बाकी लोग को उठाती हूँ, उसके बाद राखी वगैरह बांधते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस सो यहाँ पे मैंने अपने भाई को राखी वगैरह बांध दिया है और ये मम्मी ने उसके थ्रू गिफ्ट भेजा था रक्षाबंधन में देने के लिए, तो ये एक कुर्ता और कुछ मतलब सिंदूर बिंदी वगैरह सेट बना के मम्मी ने भेजा था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। एंड अब प्रिया बांध रही है प्रिंस को राखी एंड वो रितविन को भी राखी बांधेगी एंड मुझे भी जो लूम्बा होता है वो बांधेगी, सो वही यहाँ पे हो रहा है अभी। मिल रही हूँ आपको, करीबन शाम हो गई है मतलब रात होने वाली है एंड यू नो हम लोग मतलब राखी वगैरह बांध के जो भी ब्रंच मैंने बनाया था वो करके फिर से सो गए थे बिकॉज वी आर सो फ्रिकिंग टायर्ड गाइस। एंड हमारा शॉपिंग जाने का भी प्लान था बट वो कल के लिए पोस्टपोन हो गया क्योंकि किसी का मन नहीं है जाने का, कल हम जाएंगे क्योंकि परसों ये लोग दोनों चले जाएंगे, दोनों का ट्रेन जो है एक ही दिन है, तो पहले 1:30 बजे मेरा भाई अक्षांश से आएगा, उसके बाद 5 बजे के आसपास प्रिया का ट्रेन है, सो कल का एक ही दिन बचता है शॉपिंग के लिए एंड यू नो कुछ शॉपिंग हमें करना है वो मैं कल के ब्लॉग में ही आपको दिखाऊंगी कि क्या शॉपिंग किया क्या नहीं किया। एंड यस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी हमारा कुछ प्लान नहीं है सच, मूवी देखेंगे सुई धागा, हम लोगों ने डिसाइड किया सुई धागा देखेंगे, सो वो देखेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे खाना वगैरह खा के, तो खाने में शाम को ही यू नो हम लोगों ने पोहा वगैरह खा लिया है तो अभी हम दूध पी के सोने वाले। सो यस तो ये व्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, आई होप आपको मेरा ये छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
अभी थोड़े बहुत ब्लॉग्स जो आ रहे हैं वो छोटे ही आ रहे हैं क्योंकि पूरे दिन हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है वही मैं शूट कर रही हूँ और बाकी के टाइम हम बस मूवी देख रहे हैं एंड गप्पे कर रहे हैं। सो यस, चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया। चलिए, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।